हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या भा क्रिएटिविटी जोन। मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कुछ बहुत काम के किचन ऑर्गेनाइज़र, जो हमारी किचन की जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करेगा, और वो मैं बनाने जा रही हूं हैंगर से। हाँ जी, आपके घर में, सबके घर में हैंगर होता है जो आप कपड़ा टांगने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं से मैं कुछ किचन ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो रेड बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेल आ जाएगी। उस बेल पे तीन ऑप्शन आते हैं, उस पर आप ऑल पे क्लिक करिएगा। सबसे पहला किचन ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने जा रही हूँ, एक ऐसी चीज़ है जो आपके किचन के काउंटर टॉप पे ऐसे ही रखी रहती है हर घर में, और जो काफ़ी स्पेस लेती है काउंटर टॉप का, और उसके लिए कोई भी अलग से स्पेस स्पेसिफाई नहीं होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्युमिनियम का हैंगर। आप तार का हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं, बस प्लास्टिक का हैंगर नहीं यूज़ करना है। और आप वीडियो में देखते जाइए उसे किस तरह से मोल्ड करना है। तो हैंगर को पहले हम नीचे की तरफ खींचेंगे, उसके बाद इस तरह से बीच में उठाते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, और बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए इस तरह का शेप आएगा, ये देखिए। तो इसको हम टांग देंगे, क्योंकि हैंगर है तो ऊपर टांगने वाला बना हुआ है, होल्डर बना हुआ है जिसपे हमको हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको टांग देंगे, और ये देखिए इसमें बहुत ही आसानी से चकला, हमारा जो चकला होता है वो आ जाएगा। चकला डाल के एक बार हम इसको दीवार में इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा हैंगर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इस तरह से चकला डाल के एक बार हमें उसे सेट करना है। अब जो पीछे स्पेस है वहां पे हम इस तरह से बेलन सेट कर देंगे, ये देखिए गिरेगा नहीं, आराम से इसमें सेट हो जाएगा। और आगे जो स्पेस है उसमें हम चिमटा रखेंगे इस तरह से, और ये हमारा बेलन चकला स्टैंड तैयार है। देखिए हमारा काउंटर टॉप खाली हो गया है, उस पर बेलन चकला नहीं रखा हुआ है। जैसे हमें उसको दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं, थोड़ी कील मजबूत होनी चाहिए, और ये काफ़ी मजबूत है, चकला एकदम नहीं गिरेगा। इसी तरह के शेप वाले हैंगर को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी घर की जो डिशेस हैं, जो प्लेट्स हैं, उनको हैंग करने के लिए। ये देखिए पूरी प्लेट एक साथ हैंग हो जाएगी और स्पेस भी कम लगेगा। तरह से ये जो हमारा हैंगर है वो एज ए डिश स्टैंड भी काम करता है, हमारी सारी प्लेटें एकदम कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो गई। इसमें आप इस तरह का हमारा जो चॉपर बोर्ड होता है, जो वेजिटेबल कटर बोर्ड है, उसको आप आराम से हैंग कर सकते हैं। इसको भी रखने का स्पेस नहीं मिलता है तो आप इसको भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हैंग हो जाएगा, और इसमें जो इसकी नाइफ होती है या चॉपर होता है इसको आराम से हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम वॉल को यूज़ कर सकते हैं। मैं हैंगर से दूसरा किचन ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ, जो भी बहुत काम की चीज़ है, अभी आपको पता चलेगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो हैंगर को इस तरह से हमें फोल्ड करना है, आप देखते जाइए वीडियो में कहाँ से कैसे मोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह का शेप देना है हैंगर को। तो आप देख सकते हैं नीचे से थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप देना है, ऊपर जो हैंगर या हुक है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह का शेप देना है, और फिर इस तरह से हमें बीच से मोल्ड कर देना है, घुमा देना है। ये देखिए तो इस तरह का शेप बनाना है, इससे भी बहुत अच्छा किचन ऑर्गेनाइजर बनने जा रहा है। घर में अक्सर मिठाई के डब्बे इस तरह के पड़े रहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या कोई पुरानी प्लास्टिक की बास्केट यूज कर सकते हैं। चाहिए इसके लिए पीवी फिक्स, आप चाहे तो ग्लूगन यूज़ कर सकते हैं, या फेविकॉल जो प्लास्टिक चिपकाने वाला आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने हैंगर को फोल्ड किया हुआ था उसके नीचे जो हुक होता है उसको नीचे की तरफ हमको मोड़ना है, इस तरह से। देखिए आपको देख के समझ में आ रहा होगा, उसे हमें नीचे की तरफ मोड़ना है। अब इस तरह के दो हुक हम लेंगे और वहाँ पर इस तरह से हम इसको हैंग कर देंगे, और ग्लूगन या कोई भी पेस्टिंग मटेरियल है आप उससे इस तरह से कोई भी बास्केट या मिठाई के डब्बे को हम चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको वॉल पे टांग के रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, और इसमें काफ़ी सामान आ गया है। तो आप इस तरह से रैक बना सकते हैं हैंगर से, और नीचे जो हमने फोल्ड किया था हुक को उसमें आप अपने स्पैटुला हो गया, चाय की छन्नियाँ हो गई, वो सब टांग सकते हैं। अब मैं तीसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। इस तरह से दो हुक लेंगे और उसमें हम हैंगर को उल्टा टांग देंगे,
घर में किचन में कढ़ाई है, बर्तन है, उसकी जो लिड्स होती हैं, जो ढक्कन होते हैं, वो इधर उधर फेंके रहते हैं, तो उसको हम इस तरह से बहुत ही आसानी से हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह से हम वॉल पे हैंगर को यूज़ करके जो आपकी लिड है, ढक्कन है, बहुत सारे शीशे के भी ढक्कन होते हैं, लिड होती हैं, तो उनको हम इस तरह से टांग के रख सकते हैं, हमारा काउंटर टॉप खाली रहेगा। एक और तरीका है, ये इस तरह से हम उसको मोल्ड करेंगे, ये देखिए, इसको भी हम किसी कील पे टांग सकते हैं या हुक पे टांगेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम लिड को रखेंगे, बहुत ही आसानी से हैंग हो जाएगी, गिरेगी नहीं, और अगर शीशे की है तो एकदम सेफ रहेगी। ये था हैंगर के हैक्स, जिससे हम किचन की बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारा काफ़ी स्पेस खाली हो जाएगा काउंटर टॉप का या किचन का, हम अपनी वॉल को यूज़ कर सकते हैं इन हैंगर्स को यूज़ करके। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।